गाइस दोबारा से वेलकम बैक हो चुका है आपके अपने YouTube चैनल यश गेमर्स पे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं DD नंबर 1 की एक शानदार अनबॉक्सिंग, जिसको देखकर आपको उसको परचेज करना ही होगा। ठीक है, तो दिखा देता हूँ आपको अपनी वॉच। सो गाइस, ये रही हमारी स्मार्ट वॉच DD नंबर 1। और अगर आप इसकी पूरी अनबॉक्सिंग देखना चाहते हो तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहो और इसके फीचर्स को एंड तक जरूर देखना। सो गाइस, आपको ग्रीन एंड व्हाइट कलर का ऐसा बॉक्स देखने को मिल जाता है एंड हटा लेते हैं इसके ऊपर की प्लास्टिक और देखते हैं इसके अंदर आपको क्या क्या और चीज़ें देखने को मिल जाती हैं और देखते हैं इसके अंदर आपको क्या क्या इंटरेस्टिंग फीचर्स मिल जाते हैं और ये भी देखते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो या नहीं करते। हाँ गाइस, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक डेफिनेटली कर देना। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, हमने हटा लिया इसके ऊपर की प्लास्टिक और यहाँ पर आपको मिल जाती है DD नंबर 1 की एक शानदार ब्रांडिंग और साथ साथ यहाँ पे मिल जाता है आपका वॉच 7 का लोगो और नीचे के साइड आपको मिल जाता है NFC वर्किंग। सो गाइस, इसके अंदर आपको मिल जाता है वियर प्रो एप्लीकेशन का सपोर्ट, जिससे आप अपनी वॉच को कनेक्ट कर सकते हो। इसके अंदर आपको मिल जाती है वायरलेस चार्जिंग और हमारी जो वॉच होने वाली है वो बेसिकली 45mm की होने वाली है। और अगर मैं बात कर लूं इसके बैक साइड की, तो बैक साइड में आपको मिल जाता है एक QR कोड, जिसको स्कैन करके आप वियर प्रो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो और साथ साथ आपको मिल जाती है मेड इन चाइना की एक ब्रांडिंग। So guys, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कुछ टाइम पहले मैंने 20 सीरीज 7 क्लोन वॉचेस का गिव अवे किया था और अगर आप मेरे चैनल पे 2000 सब्सक्राइबर्स का एम कंप्लीट करा देते हो तो मैं फिर से एक गिव अवे वीडियो जरूर लेके आऊंगा। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो, हमने कर लिया है बॉक्स को ओपन और यहाँ पर आपको लिखा मिल जाता है DT7 सीरीज टॉप वर्जन, यानी कि ये सीरीज 7 का सबसे टॉप वर्जन है। बट इसमें एप्पल लोगो नहीं है, बट फिर भी ये एक टॉप वर्जन है और वो क्यों है तो वो आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। और गाइस, नेक्स्टली आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं 11 मेन्यू सेट्स और 11 मेन्यू सेट्स के साथ आपको मिल जाते हैं 500+ वॉच फेसेस। और सबसे खास बात तो यह है कि अब तक आपने जितनी भी स्मार्ट वॉचेस यूज की होगी उन सबके जितने मैनुअल स्टाइल्स है सब आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। उसके अंदर के जितने वॉलपेपर्स है वो सारे आपको मिल जाएंगे और सबसे खास बात, इसके अंदर आप कस्टम वॉलपेपर भी सेट कर सकते हो। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, हमने वॉच को बॉक्स से बाहर निकाल लिया है और अगर मैं बात करूं इसके कलर वेरिएंट की, तो ये आपको ब्लैक कलर में मिल जाती है। और इसके अंदर सबसे खास बात तो ये है कि जो इसके स्ट्रैप्स है वो इसके अंदर ऑलरेडी फेस्ड है, बिकॉज जो प्रीमियम वॉचेस होती हैं उनके अंदर जो स्ट्रैप्स मिलते हैं वो ऑलरेडी फेस्ड होते हैं। और अगर मैं बात करूँ इसकी वॉच क्वालिटी की, तो गाइज मुझे फर्स्ट लुक में तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी। आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हमको देखने को मिल जाएगी। और अगर मैं बात करूँ इसके वायरलेस चार्जर की, तो उसका जो कलर है वो बेसिकली आपको व्हाइट कलर में मिल जाता है। और अगर मैं बात करूँ इसके चार्जिंग केबल के लेंथ की, तो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है, आप फ्रंट स्क्रीन पर देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियरी है आपके स्मार्ट वॉच को चार्ज करने के लिए। सो गाइज, नेक्स्टली अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर हमें मिल जाती है रद्दी, जो हमारे किसी काम की नहीं है, बट रद्दी के अंदर एक काम की चीज़ तो होती है, वो है QR कोड, जिसको स्कैन करके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइज, अब हम देखते हैं वॉच के आउटसाइड हमें क्या क्या चीजें देखने को मिल जाती हैं। तो गाइज, आप जैसा कि फ्रंट स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पर आपको मिल जाता है क्राउन बटन जो कि वर्किंग है, नीचे आपको नॉइस कैंसिलेशन का ऑप्शन और उसके नीचे आपको मिल जाता है पावर बटन। सो गाइज, अगर मैं बात करूं इसके पैकिंग की, तो इसके अंदर आपको 2 लेयर्स ऑफ प्लास्टिक देखने को मिल जाती है। जैसा कि आप देख सकते हो, एक प्लास्टिक तो आपको यहाँ पे दिख रही है जो मैंने हटा दी है और एक स्क्रीन के ऊपर भी है, देख सकते हो आप किस प्रोटेक्शन के अंदर आपको ये मिल जाती है। और गाइस, सबसे खास बात तो ये है कि इसकी जो मेटलिक क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, एलॉय का यूज़ किया गया है इसको बनाने के लिए, जो कि
प्रीमियम वॉचेस के अंदर आपको मिलता है। सो गाइज हटा लेते हैं इसके ऊपर के प्लास्टिक और चेक करते हैं इसकी डिस्प्ले को। सो आप हमारे फ्रंट में देख सकते हो फुल्ली एमोलेड डिस्प्ले। और ओवरऑल बात करूं इसके ऑन होने की टाइमिंग का, तो गाइज काफी जल्दी ऑन हो चुकी है और ओवरऑल जो डिस्प्ले है वो काफी ज्यादा मस्त लग रही है। और बात कर लो इसके वॉल पेपर्स की, तो इसके अंदर तो बेसिकली 500 वॉल पेपर्स आपको मिल जाते हैं, बट आप एक टाइम में ओनली 7 वॉल पेपर सेट कर सकते हो। यानी कि आपके पास अगर 500 वॉच फेसेस हैं तो उनमें से आप किसी भी एक वॉच फेसेस को सिलेक्ट करोगे तो आप मैक्सिमम 7 चेंजेस उसके अंदर कर सकते हो। और गाइस मैं आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं, वो ये है कि आप पूरे YouTube पर सर्च कर लेना DT No. 1 की ऐसी डीप अनबॉक्सिंग और डीप रिव्यू आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। सो गाइस ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो गाइस इस वॉच के अंदर एक यूनिक फीचर है जो आपको किसी भी स्मार्ट वॉच में नहीं मिलेगा, वो है ऑटो डिस्प्ले। आप फ्रंट स्क्रीन पे देख सकते हो इसके अंदर आपको ऑटो डिस्प्ले भी मिल जाती है। और गाइस अगर मैं इसको अप से डाउन स्क्रोल करूं तो यहां पर आपको एकदम iOS डिवाइसेस जैसी लुक देखने को मिल जाती है, सेम उसके जैसे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। और यहां पर आपको जाता है एक QR कोड का ऑप्शन जिसपे आप स्कैन करके इसकी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। और गाइस इसके अंदर आपको मिल जाता है एक ट्रेनिंग का ऑप्शन। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं, अगर किसी कारण से आपकी वॉच भीग जाती है या गीली हो जाती है तो उस सिचुएशन में आप इस ड्रेनिंग के ऑप्शन को यूज करके इस वॉच के आउटसाइड जो पानी होगा या इसके स्पीकर्स में अगर पानी चला गया होगा तो शेक करके आप उसके पानी को बाहर निकाल सकते हो। लगा ना ये फीचर काफी ज्यादा बढ़िया? अगर बढ़िया लगा हो तो वीडियो को लाइक भी आपको जरूर कर देना है। और गाइज आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी, क्या ये एक वाटरप्रूफ वॉच नहीं है? तो गाइज मैं आपको बता दूं, ये वॉच वाटरप्रूफ है। और इसके अंदर सबसे ज्यादा खास बात तो ये है कि इसके अंदर आप अलार्म सेट कर सकते हो, इमरजेंसी कॉलिंग कर सकते हो, और अगर आपको अपनी कॉल को रिकॉर्ड करना है तो आप इसमें इजीली रिकॉर्ड भी कर सकते हो। और अगर मैं बात करूं ब्लूटूथ कॉलिंग की और इसकी वॉइस क्वालिटी की, तो वॉइस क्वालिटी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगी। और बात करूं ब्लूटूथ कॉलिंग की, तो हां इसके अंदर आप ब्लूटूथ कॉलिंग भी कर सकते हो। और अगर आपको ब्लड प्रेशर चेक करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो। पीछे आपको ग्रीन कलर की एक लाइट ब्लिंक करते हुए दिखेगी। और बात कर लूँ वेदर की, तो आप वेदर भी सेट कर सकते हो इंटरनेट से, ये इजीली अपने आप ही चेंज हो जाता है जो भी अभी करंट में चल रहा होता है। सो गाइज अभी तक मेरे चैनल पे 2000 सब्सक्राइबर्स का एम कम्प्लीट नहीं हुआ, तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब करो और इस एम को कम्प्लीट कर दो यार। सो गाइस जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि स्टार्टिंग पर बॉक्स पे आपको ये लिखा मिला था कि इसके अंदर आपको 11 मेन्यू सेट्स देखने को मिल जाते हैं। और गाइस ये देखना इसके अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या इसके अंदर आपको 11 मेन्यू सेट्स मिलते हैं या फिर नहीं। और गाइस जैसा कि आप देख सकते हो फर्स्ट वाला जो मेन्यू स्टाइल है ये बेसिकली बिना किसी लैग इशू के वर्क कर रहा है। और अगर मैं बात करूं एक यूनिक ऑप्शन की, तो यहां पर आपको क्राउन बटन दिख रहा होगा, अगर आप इसको डबल टैप करते हो तो बूम आप देख सकते हो मेन्यू स्टाइल चेंज हो गया। ये काफी बढ़िया ऑप्शन है और पुरानी स्मार्ट वॉचेस में ये नहीं था। और गाइस अगर मैं बात करूं सीरीज 7 क्लोन वॉचेस की, तो मेरे चैनल पर 500 से लेकर 2000 के अंदर जितनी भी स्मार्ट वॉचेज है सबकी अनबॉक्सिंग आपको मिल जाएगी। तो जाओ जाकर वीडियोस को देखो और अगर वॉच अच्छी लगे तो परचेज भी कर सकते हो। और गाइस अगर मैं बात करूं इस स्मार्ट वॉच के अंदर डिस्प्ले और रिजोल्यूशन क्वालिटी की, तो आप फ्रंट में देख सकते हो कि अगर हम इसको किसी भी कॉर्नर से देख ले, चाहे वो राइट हो चाहे वो लेफ्ट हो, आप देख सकते हो जो ओवरऑल क्वालिटी आती है डिस्प्ले की वो हर एंगल से बहुत बढ़िया आ रही है। सो गाइस मेड इन चाइना वॉच होने की वजह से इसके अंदर आप GPS का इस्तेमाल नहीं कर सकते और जितने भी फीचर होंगे आप सबका इस्तेमाल कर सकते हो GPS को छोड़ के। सो गाइस जैसा कि आप लोगों को पता होगा इस स्मार्ट वॉच के अंदर काफी ज्यादा फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसकी वजह से एक वीडियो के अंदर सबको बताना इम्पॉसिबल है। इसलिए मैं इसका एक पार्ट टू वीडियो भी लेकर आऊंगा जिसके अंदर मैं इसके सीक्रेट कोड्स, सीक्रेट फीचर्स और कुछ सीक्रेट सेटिंग्स, उन सबकी वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और चैनल के साथ हमेशा बने रहना। गाइस जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कंपनी ने दावा किया है कि इसके अंदर 500 प्लस वॉच फेसेस है, तो देखते हैं कि क्या कंपनी का दावा सही है या फिर कंपनी गलत है। सो गाइस जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इसके अंदर वियर प्रो एप्लीकेशन का सपोर्ट है, इसलिए मैंने इसको इजीली कनेक्ट कर लिया है
Wear Pro एप्लीकेशन के साथ। और अगर आपको वॉच को कनेक्ट करने में किसी भी टाइप का इशू आ रहा है तो मैं नेक्स्ट वीडियो इसके कनेक्शन पर ले आऊंगा। सो गाइस, जैसा कि आप लोग फ्रंट स्क्रीन पे देख ही सकते हो, यहाँ पर आपको वॉच फेस का एक ऑप्शन मिल जाता है। और अब हम ये देखते हैं क्या इसके अंदर 500 वॉच फेसेस हैं या फिर नहीं। सो गाइस, लोड होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, बट मेरे को पर्सनली लग रहा है कि इसके अंदर आपको 500 वॉच फेसेस मिल जाएंगे। हाँ गाइस, इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको बहुत सारे वॉलपेपर्स देखने को मिल जाते हैं। सो गाइस, मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ कि कैसे आपको वॉलपेपर्स को सेट करना है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको किसी भी एक वॉलपेपर पर क्लिक कर देना है। वहां पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, कैंसिल और ओके। ओके पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, कुछ सेकंड आपको वेट करना है। सो गाइस, जैसा कि आप फ्रंट स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पर एक परसेंटेज मीटर चल रहा है, और जैसे जैसे ये मीटर बढ़ेगा, आप वॉच के अंदर गौर करना, वहां पर भी एक लोगो आपको मिलेगा। आप देख सकते हो यहाँ पर भी एक अपलोडिंग का लोगो आपको देखने को मिल जाता है। और गाइस, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस कुछ सेकंड और वेट करना है। जैसे ही ये मीटर 100 तक कंप्लीट करेगा, कंप्लीट करने के साथ आपकी वॉच हो जाएगी रिस्टार्ट। और रिस्टार्ट जैसे आपकी वॉच हो जाए तो समझ जाओ आपका वॉलपेपर हो चुका है चेंज। सो गाइस, जैसा कि आप फ्रंट स्क्रीन पे देख सकते हो, हमारी वॉच जो है वो रिस्टार्ट हो चुकी है, और जो हमारा वॉलपेपर है वो फाइनली चेंज हो चुका है। और पर्सनली कहूं तो मुझे ये वाला वॉलपेपर काफी ज्यादा यूनिक लगता है। आप किसी भी स्मार्ट वॉच में चेक कर लेना, ये वाला वॉलपेपर आपको नहीं मिलेगा। और मैं आपको एक लाइव वॉलपेपर भी इसके अंदर सेट करके दिखा देता हूँ। आपको कुछ सेकंड वेट करना है और बस फ्रंट स्क्रीन पे देखना है। और गाइज, आप देख सकते हो हमने फाइनली चेंज कर लिया है, और आप देख सकते हो हमारी वॉच जो है वो रीस्टार्ट हो चुकी है, और हमारा जो लाइव वॉलपेपर है वो भी चेंज हो चुका है। और गाइज, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक भी डेफिनेटली आपको कर देना है। सो गाइज, फाइनली इस स्मार्ट वॉच के अंदर हम कॉलिंग, म्यूजिक और साउंड तीनों का ही टेस्ट करने वाले हैं, और देखते हैं क्या इन तीनों प्लेटफॉर्म पे हमारी वॉच खड़ी उतरती है या फिर नहीं। सो गाइस, सबसे पहले मैं करने वाला हूं कॉलिंग टेस्ट, और मैं कॉल मिलाने वाला हूं 100 पर, बिकॉज़ मुझे वहां से मिलेगा एक वीआईपी ट्रीटमेंट, और वीआईपी ट्रीटमेंट के बाद मुझे मिलेगी एक वीआईपी मेडिटेशन, जिससे मैं पूरे दिन अपने घर में लेटा रहूंगा। सो गाइस, फाइनली मैं कॉल करने वाला हूँ 199 पर, जो कि बेसिकली जियो का हेल्पलाइन नंबर है, और वहां से हम देखेंगे कि कैसी साउंड क्वालिटी आपको देखने को मिलती है। थोड़ी देर के लिए मैं अपनी साउंड ऑफ कर लूंगा, जिससे आप इसकी क्वालिटी का पता लगा सकते हो। सो गाइस, जैसा कि आपने पीछे कॉलिंग टेस्ट देखा, अब हम करने वाले हैं इसका म्यूजिक टेस्ट, और चेक करते हैं म्यूजिक के अंदर कैसी साउंड हमें देखने को मिल जाती है। गाइज, अगर आप ये सोच रहे हो कि इस स्मार्ट वॉच के अंदर बस इतने ही फीचर है, तो आप गलत हो, बिकॉज मैंने आपको अभी NFC, ECG और सीक्रेट कोड्स के बारे में तो अभी बताया नहीं है। वो सारी चीज़ें मैं आपको पार्ट 2 के अंदर बताऊंगा। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और आपको वीडियो को लाइक कर देना है, और वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा वो आपको कमेंट कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे धमाकेदार वीडियोज हम लाते रहते हैं।